बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह की लाडली बेटी सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर वन रिलीज हुई है। जी हां, वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कुली नंबर वन ने हाल ही में 25 दिसंबर के दिन दस्तक दी है अमेजन प्राइम वीडियो पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि कुली नंबर वन ने व्यूअरशिप के मामले में कई फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन यहां पर सारा की फिल्म को मात दे दी है बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएमडीबी रेटिंग के मामले में सलमान खान की फिल्म रेस 3 से काफी पीछे रह गई है सारा की कुली नंबर वन। मूवी रेटिंग प्लेटफॉर्म आईएमडीबी के मुताबिक सामने आया है कि कुली नंबर वन को यूजर्स के द्वारा महज 21,151 वोटों के आधार पर 1.4 पर रेटिंग मिली है। वहीं सलमान खान की फिल्म रेस 3 की रेटिंग 1.9 थी। ऐसे में आपको बता दें कि वरुण धवन और सारा की फिल्म से ज्यादा आईएमडीबी की रेटिंग है। ऐसे में आपको बता दें कि सलमान खान की रेस 3 ने इस मामले में बाजी मार ली है और सारा की ये फिल्म सलमान की फिल्म से काफी हद तक पीछे रह गई है। बीते लंबे समय से सोशल मीडिया पर सारा अली खान और वरुण धवन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, लेकिन जहां एक ओर ये फिल्म क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज हुई है, तो वहीं अब सलमान खान की फिल्म रेस 3 से आईएमडी रेटिंग के मामले में पीछे रह गई है और सलमान खान अपनी रेस 3 फिल्म के चलते सारा को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।